तो प्यारी सास संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, सास संगत जी, आज की वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सास संगत जी, ये जो साखी है सच्ची घटना पर आधारित है। सास संगत जी, जैसा कि आपको पता है, बाबा जी की बातें कईयों को अच्छी लगती हैं और कईयों को नहीं लगती। एक बार ऐसे ही एक पंडित जो बहुत ही पहुंचे थे बाबा जी से लड़ने, उनकी कोठी में आ गए। और जब कोठी में आए तो बाबा जी ने उनका बड़ा स्वागत किया। जैसा कि आपको जानते हैं कि जब बाबा जी से मिलने कोई भी आता है तो बाबा जी उन्हें कभी मना नहीं करते, बड़े प्यार से उनसे मिलते हैं। तो बाबा जी ने उन पंडित को बैठाया। पंडित जी बाबा जी से लड़ने लगे और कहने लगे, आप कहते हैं कि मन जो भगवान है हमारे अंदर है, तो फिर मंदिरों में जाने का क्या फ़ायदा। बाबा जी कहते हैं, मैंने कभी अपनी संगत को ये नहीं कहा मंदिर में जाओ ना तो जाओ, मैं उन्हें कहता हूँ कि तुम्हारे अंदर ही परमात्मा है और ये परमात्मा को तुम्हें भजन सिमरन से ही तुमने अंदर में पाना है। पंडित जी को कहते हैं, जितने भी साधु महात्मा आए, आपको पता है उन्होंने भजन सिमरन के जरिए ही अपने अंदर परमात्मा को पाया है। तो आगे पंडित जी कहते हैं कि आप तो सभी को ये कहते हैं कि तीर्थ यात्रा पर जाना नहीं चाहिए और तीर्थ यात्रा पर जाने से आपको स्वर्ग नहीं मिलेगा, तो हम जो हैं वह पागल हैं। कई सालों से हमें यही समझाते आ रहे हैं कि तीर्थ यात्रा में आएं और अपना को स्वर्ग में पाएं। बाबा जी कहते हैं कि आपको पता ही है कि अगर नहाने से किसी को स्वर्ग मिल जाता तो सभी स्वर्ग में जाते, और लेकिन आप तो मर्गी स्वर्ग में जाना है या अपने जन्म मरण से मुक्ति पानी है तो आपको तो भजन सिमरन करना पड़ेगा। भजन सिमरन जो है वही आपको मुक्ति दिलाएगा और कोई नहीं दिला सकेगा। बाबा जी आगे उस पंडित जी को कहते हैं, मैं आपकी बातों का मान करता हूँ, आप जो कहते हैं वह सत्य है, लेकिन मैं अपनी संगत को ये कभी नहीं कहता कि जो आपको बताया कि अब गलत है, मैं तो उन्हें सिर्फ भजन सिमरन के बारे में बताता हूँ। मैंने कभी अपनी संगत को ये नहीं कहा मंदिर मत जाओ, गुरुद्वारे मत जाओ, मैं तो उन्हें यही कहता हूँ कि जो भी आपका मन करता है वह करो, हाँ उनके साथ साथ भजन सिमरन जरूर करो। अगर आपने नामदान लिया है तो भजन सिमरन जरूर करो। और बाबा जी की बातें सुनकर वह पंडित जी भी शर्मिंदा हो जाते हैं और कहते हैं, मुझे माफ़ करना, मैं खामखा आपसे लड़ने आ गया, मुझे किसी ने कहा था कि आप लोगों को गलत बातें बताते हो, लेकिन आप तो बड़ी ही ज्ञान की बातें बताते हो। बाबा जी ने उस पंडित जी को गले लगा लिया। तो सास संगत जी, ऐसे ही हैं बाबा जी, किसी का दिल नहीं दुखाते। तो यही मेरी आज की वीडियो, अच्छी लगी हो लाइक कीजिए और सभी सास संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।